नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों अपन बात करेंगे आज सुपर टेट 2018-19 के बारे में कि यहां कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और किस किस कारण हुए हैं। मैंने आपको पहले भी सूचना दी थी कि 10,000 से अधिक लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, तो यह पूरे कारण सहित अपन जान लेंगे कि किस किस के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और अब उन लोगों को क्या करना चाहिए। साथ में एक और नई सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं कि इस चैनल पे अब आपको हर वीडियो में एक या दो की क्वेश्चन मिलेंगे। की क्वेश्चन क्या होते हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूं। की क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं और वही क्वेश्चन ये डिसाइड करते हैं कि मेरिट में आप आएंगे अथवा आप एग्जाम से बाहर होंगे, यानी उन क्वेश्चन के सवालों के जवाब आपको आना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस की क्वेश्चन से ना चूकें। अपन बात कर लेते हैं सुपर टेट 2019 की, यानी कि 19 में होने जा रहा है उस सुपर टेट के बारे में। तो फिलहाल ये 6 जनवरी को एग्जाम होगा, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं। और अभी हालांकि इसके परमिशन लेटर अपलोड नहीं किए गए हैं, जो संभावना है कि 31 दिसंबर को अपलोड कर दिए जाएंगे। टाइम जरूर आपको परमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए कम मिलेगा, साइट पे लोड भी हो सकता है, परेशानियां भी हो सकती हैं, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बी पेशेंस, यानी पेशेंसफुली रह करके आपको जो अपने परमिशन लेटर डाउनलोड करने हैं और एग्जाम देने जाना है पूरे अच्छे मन से। अब अपन बात कर लेते हैं वीडियो के मेन सब्जेक्ट पर। तो अपना मेन सब्जेक्ट है वो वीडियो का ये है कि फिलहाल कितने जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं, ये फिगर एक बार अपन देख लेते हैं। तो देखिए जो कुल फॉर्म आए थे वो 4,46,823 फॉर्म आए थे और इनमें से रिजेक्ट होने वाले फॉर्मों की जो फिगर है, जो संख्या है, जो नंबर आ रहा है वो है 16,344। अब इसमें तीन कारण मैंने बताए थे आपको, पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा है तो आपको याद होगा कि एक तो वो लोग जिन्होंने डबल फॉर्म भरे हैं या ट्रिपल फॉर्म भरे हैं या ज्यादा फॉर्म भरे हैं उनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, तो वो लोग घबराए नहीं, उनका जो लास्ट फॉर्म था जिसकी फीस जमा हो चुकी है वो मान्य होगा और उनके जो एक्स्ट्रा फॉर्म है वो रिजेक्ट होंगे। तो घबराए नहीं, आपका परमिशन लेटर जारी हो जाएगा। अगर आपने 2-3 फॉर्म भरे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका परमिशन लेटर 100% जारी होगा और आप एग्जाम में बैठेंगे। तो ऐसे फॉर्म जो डबल ट्रिपल थे जो रिजेक्ट हुए उनकी जो संख्या है वो है 12,452, यानी 12,452 ऐसे लोग थे जिन्होंने एक से अधिक फॉर्म भरे हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब दूसरे जो कारण था वो था आयु सीमा। कई बार क्या होता है कि अपन ये देखते हैं कि अपनी आयु सीमा उस फॉर्म में अपन जो योग्यता में बिलोंग कर रही है नहीं कर रही है, अपन फिर भी फॉर्म भर देते हैं क्योंकि कई बार गणना में गड़बड़ी हो जाती है। तो कम अथवा ज्यादा आयु सीमा होने के कारण भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और वो जो फिगर है वो है 2,817 ऐसे लोग हैं जो आयु सीमा वाली शर्त को पूरा नहीं कर रहे थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो उनके लिए यहाँ कोई चांस नहीं मिलेगा। अगर उनकी आयु सीमा की गणना सही थी और सही है तो फिर वो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं या आयोग को चिट्ठी लिख सकते हैं। अगर रियल में वो आयु सीमा वाले योग्यता को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो लोग, उन लोगों का बाहर होना बिल्कुल तय है। तो वो है 2,817 लोग। तीसरा कारण था यूपी टेट क्वालिफाई वाला मामला। तो ऐसे 1,062 लोग हैं जो यूपी टेट में क्वालिफाई नहीं थे, वो किसी न किसी कारण फॉर्म भर गए और अब वो क्वालिफाई नहीं है तो ऐसे फॉर्म में रिजेक्ट हो गए, तो उन लोगों को भी यहाँ कोई चांस नहीं मिलने वाला है। बस एक यही चांस है कि अगर यहाँ एग्जाम की डेट आगे बढ़ती है और इस बीच वो क्वालिफाई कर जाते हैं यूपी टेट सी टेट, तो फिर उन लोगों को चांस मिल सकता है, तो उन लोगों के लिए तभी एक मामला बनेगा, वरना फिलहाल वो लोग भी एग्जाम से बाहर होना तय है। तो अब कुल फॉर्मों की जो संख्या बच जाती है वो है करीब करीब, कुल अब यहां फॉर्म बचे हैं वो है 4,30,479 फॉर्म, यानी इतने लोग एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। तो कुल मिला के फिगर वही 4.5-4.5 लाख के आसपास आ रहा है। 6 लोगों पे एक सेलेक्ट होगा सीटों के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो सीटों की संख्या है वो 69,000 है, 69,000 है यहां, जिसमें से 49,000 ऑलरेडी शिक्षा मित्र सेलेक्ट हो जाएंगे बड़ी आसानी से, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उनके नंबर आधे आए तो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी बचे 20,000 सीटें, तो वहां आपका जो कंपटीशन है वो है, यानी कि करीब 4.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कंपटीशन 20,000 सीटों के लिए है, बाकी तो शिक्षा मित्र हैं मेरे भाई, वो सेलेक्ट आराम से हो जाएंगे, तो उनको बहुत बहुत अग्रिम बधाई। तो अब अपन बात कर लेते हैं की क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो यहां मैं आपको की क्वेश्चन बता देता हूं जिसके बारे में आपको नॉलेज शायद नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के की क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो आपको आना जरूरी है। तो आज का की क्वेश्चन यही है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल सवाल है, बॉक्सिंग डे टेस्ट क्या होता है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा फिर बताऊंगा इसमें सवाल क्या बन सकता है। देखिए फिलहाल भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज खेल रहा है,
टेस्ट क्रिकेट सीरीज खेल रहा है, तो 26 दिसंबर से जो क्रिकेट टेस्ट शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। भारत ऐसे अभी तक 8 टेस्ट खेल चुका है, यानी कि 8वां टेस्ट भारत खेल रहा है। संभावना इस 8वें टेस्ट मैच में भारत जीत जाए। 7 टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट पहले हो चुके हैं, जिसमें से 5 भारत हार चुका है, 2 में मुकाबला ड्रा पर जो है खत्म हुआ था। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट में सवाल यही आ सकता है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट कब खेला जाता है। तो 26 दिसंबर आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई क्रिकेट टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होता है तो उसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ साथ ये की क्वेश्चन कैसा लगा, ये की क्वेश्चन वाला आइडिया आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं आगे भी आपको इस तरह के जो की क्वेश्चन है उनकी संख्या बीच में बढ़ाता रहूंगा और साथ साथ आपको की क्वेश्चन के बारे में और भी जानकारियां देता रहूंगा। चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिल्कुल इसमें अपने को कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, और साथ साथ आप इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। ये वीडियो पसंद आया, की क्वेश्चन पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सूचना और ये की क्वेश्चन पहुंच सके। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।